बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का असली बाबा अवतार देखिए। वीआरएस लेने के बाद अब गुप्तेश्वर पांडे अयोध्या में धुनी रमाते हैं। प्रवचन में तर्क के साथ बताते हैं कि कैसे भगवान से मिलें। अगर हम कहें कि ये भागवत किस लिए, आम आदमी तो आजकल बड़ा कुतर्क करता है। भगवान को देखा है हमसे ही एक व्यक्ति ने सवाल किया, भगवान को आपने देखा? हमने कहा मैंने नहीं देखा। तो जब देखा नहीं है तो कैसे मानते हैं कि भगवान होता है? अब ये ऐसा कुतर्क है जिसका कोई जवाब तो है लेकिन बड़ी अभद्र भाषा में उसको दिया जा सकता है। हमने कहा आपने अपने पिताजी को देखा है? कोई भी आदमी अपने पिता के होने का प्रत्यक्ष गवाह हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका पिता है, उसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, उसका होना ही इस बात का प्रमाण है, उसका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि उसका पिता भी है, उसके अस्तित्व से यह बात प्रमाण है। आपने गेरुए रंग के कपड़े में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को उपदेश देते हुए सुना। आप जानते हैं कि 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और वीआरएस ले लिया। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे की संगीत और सिनेमा के लिए दीवानगी जग जाहिर है। सितंबर 2020 में रॉबिनहुड बिहार के नाम से गाना रिलीज हुआ। बिग बॉस फेम सिंगर दीपक ठाकुर ने इसे गाया। इस एल्बम में गुप्तेश्वर पांडे भी एक्टिंग करते हुए नजर आए। साथ ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री के समर्थन में गुप्तेश्वर पांडे बयान देकर देश भर में सुर्खियों में आ गए थे। हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए और बिहार में सक्रिय सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 25 जून 2021 तक गुप्तेश्वर पांडे को आप पूर्व नौकरशाह, राजनेता, गायक और एक्टर कह सकते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।